हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं जीएसटी में ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं सप्लाई क्या होता है, और सप्लाई के कितने टाइप्स होते हैं वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनना समझना। देखो, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में। देखो, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जीएसटी के ड्यूअल जीएसटी मॉडल में लिखा क्या गया, बताया क्या गया। मैंने आपको बताया है कि जीएसटी से पहले क्या होता था, जीएसटी के बाद क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ड्यूअल जीएसटी मॉडल में बताया गया है कि चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग व्यापारी हो, चाहे वह सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वह ट्रेडिंग वाला, तीनों में से कोई हो, ठीक है, इस पे जो टैक्स लगेगा, इस पे दोनों लोग का, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, कितने है? दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बताया जाता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी अधिकार दिया गया पैसा टैक्स वसूलने का, और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है इसको भी अधिकार दिया गया पैसा वसूलने का। मतलब ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार ये बताया गया है, उस लॉ में लिखा गया है कि बाबू, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो, इस पे जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेगा दोनों लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। और कैसे लेगा? बराबर बराबर लेगा। अगर किसी आइटम पे 18% टैक्स है तो समझ जाओ 9% किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास। 9 नहीं, ये 8 हो गया जी, 9%। क्लियर है ना? तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल में यही बताया गया है। फिर से और लिखा गया है कि इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट है कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे इस फंड के लिए पैसा दीजिए, इस फंड के लिए पैसा दीजिए। तो चलो देखते हैं क्या बताया गया है। देखो, बताया जा रहा है ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, मतलब लिखा गया इस लॉ में, ठीक है, 2017 के बाद से, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पहले यही दिक्कत होती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट मांगता था पैसा टैक्स कि सर मुझे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता था जल्दी, और इसके चलते फंड जारी नहीं हो पाते थे, मैक्सिमम काम नहीं हो पाते थे। क्लियर है? बता दे जाओगे ना? चलिए नेक्स्ट, अगला जो है सप्लाई है। सप्लाई समझ गए तो समझ जाओ, मुझे लगता है 80% क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर लोगे जीएसटी से रिलेटेड। 20% यही है कि दूसरा आपको थ्योरी जीएसटी से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कैसे तो समझिए। बोला गया जीएसटी में, एक बिजनेसमैन जब किसी गुड्स को या किसी सर्विस को क्या करता है, सेल करता है, सेल्स करता है, बेचता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि वह सेल कर रहा है, लेकिन उसको अकाउंटिंग के भाषा में, जीएसटी के भाषा में बोला जाता है वो सप्लाई कर रहा है। मतलब जो कुछ भी हम लोग इस समय जीएसटी में गुड्स बेचे या सर्विस बेचे, जो सामान हम बेच रहे हैं, जो सर्विस बेच रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सप्लाई। मतलब हम माल सप्लाई कर रहे हैं या कोई सेवा सप्लाई कर रहे हैं। तो बोला गया है कि जब हम कोई गुड्स सेल करें, गुड्स बेचे, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब कोई सर्विस बेचे तो उसे बोला था सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सप्लाई क्या है तो बताना कि जीएसटी में जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं, एक बिजनेसमैन के द्वारा सेल किया जाता है, उसको सप्लाई कहते हैं। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब जब कोई सामान सेल किया जाए, और एक सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस कब, जब कोई सेवा
रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जब कोई सेवा हम रेंडर करें सर्विस दे तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, पहला सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर से बोला जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। क्लियर है? बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताओ। देखो सीधा सा मतलब है, हम इसको बेच दे रहे हैं, ये मेरा गुड्स है, तो मतलब सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले हम पैसा ले रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जीएसटी लेंगे तो जीएसटी की भाषा हम बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, तो इसे बोलते हैं। अब इसके टाइप्स कितने हैं? इसके फोर टाइप्स है। कितने हैं जी? अब कौन कौन से टाइप को कैसे हम लोग समझेंगे और कब क्या कहते हैं और कब किसका यूज होता है वो आपको समझना जरूरी है। अब देखो, अब क्वेश्चन यह है कि सर सप्लाई कितने टाइप्स का? फोर टाइप्स का। अब फोर में चलो हम पहला समझते हैं। पहला क्या है? तो पहले को बोलते इंटर, या चलो इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरे को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। देखो थोड़ा सा फर्क है। और तीसरे को जो बोलते हैं वो बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई। और चौथा जो हमारा है वह होता है आउटवर्ड सप्लाई। क्या होता है जी? अब चारों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला इंट्रा, इंट्रा बोले हैं ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। तीसरा इनवर्ड सप्लाई। चौथा आउटवर्ड सप्लाई। ये चारों याद रहेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। अब चलो कब कौन सा सप्लाई इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं एक नए व्हाइट पेज पे। देखो इसका मतलब यह है कि एक बिजनेस में सपोज जिसका व्यापार चलता है यूपी में, कहां पे चलता है? यूपी में। अगर कोई एक और बिजनेसमैन है उसका भी व्यापार चलता है यूपी में, समझना। मान लो यह है एस के और यह है पी के, दोनों कंसेप्ट हमारा है। मतलब देखो यूपी यूपी दोनों व्यापारी कहाँ के है? यूपी के ही है ठीक है। यह है एस के और यह है पी के। यहां तक कोई किसी कोई दिक्कत? चलो अब चाहे पीके सेल करें एसके को, चाहे एसके सेल करें पीके को, तो मान लो ये सेल कर रहे हैं। अब चाहे वह गुड्स सेल करें चाहे वह सर्विस सेल करें, तो जब दोनों सेम स्टेट है और इन दोनों के बीच जब ट्रांजैक्शन आपस में लेन देन होता है, इस ट्रांजैक्शन को, इस सौदा को बोलते हैं, इस लेन देन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। मतलब जब दो सेम राज्य के बीच आपस में जब ट्रांजेक्शन हो, सेल परचेज हो, उसे बोलते हैं कि वह इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब अपने ही राज्य में माल खरीद रहा है और बेच रहा है, समझना। और लेकिन वही सपोज यह यूपी के नहीं है, बिहार के। अब चाहे यह बेचे इनको, चाहे यह बेचे इनको, तो यह बेचेंगे तो खरीदेंगे, यह बेचेंगे तो यह खरीदेंगे। जब इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होता है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यह इंट्रा मतलब अपने ही स्टेट की बात की जा रही है,
इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम एंटर कर गए, ठीक है। तो जब दो राज्य हो, मतलब यहाँ पे यूपी हो गया, यहाँ बिहार हो गया, तो हम ऐसा कहना कि वो बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर सेम राज्य है तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या लोकल ट्रांजेक्शन। तो माया बोलो, नहीं आया? चलो आना चाहिए, मतलब मैं हूँ यूपी का, आप लोग बिहार के हो, मेरा भी व्यापार आपका भी व्यापार है, नहीं या व्यापार नहीं है, सपोज व्यापार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा स्टेट अलग है, आपका स्टेट अलग है, और आपको मैं कोई सामान बेच रहा हूँ या आप मुझे कोई सामान बेच रहे हो, ठीक है। मेरे और आपके भी जब ट्रांजेक्शन होता है तो बोलते हैं सप्लाई हो रहा है, लेकिन कोई पूछे कौन सा सप्लाई हो रहा है तो बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। लेकिन मेरा भी व्यापार यूपी में, आपका भी व्यापार यूपी में, अब हम खरीदे आपसे या आप खरीदे हमसे, हम सेल कर रहे हैं आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारे और आपके भी, और दोनों हम लोग लोकल के ही है, मतलब राज्य हम लोग का सेम है, उसे बोलते हैं क्या इंटर स्टेट सप्लाई या उसे बोलते हैं लोकल सप्लाई या उसे बोलते हैं लोकल ट्रांजेक्शन। समाया कि मान लो जितने लोग पढ़ो ना, क्या बोलते तुम, अरे हम तो लोकल के हैं। लेकिन मान लो हम आते हैं कहाँ से, भैरवगंज से, हम नहीं कहेंगे लोकल के, हम कहेंगे ना पड़ावना से 20 किलोमीटर दूर है हमारा घर, ठीक है, हम लोकल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप तो जितने पड़ावना से बिलोंग करो, चाहे छावनी से आते हो, ठीक है यार, हम कोला रोड से आते हो या बेलोचुंगी से आते हो या नुनिया पट्टी से आते हो, ये लोकल ही बोलेंगे, समझे ना। अगर यहाँ पर लोकल की बात करें, वैसे स्टेट में लोकल की बात करें तो अब जितने यूपी घूमगे वो लोकल के, अगर मान लो अगर कंट्री की बात करें तो हमारा राष्ट्र आ जाएगा इंडिया, ठीक है ना। अगर जगह हम लोग जाते तो क्या कहते हैं, विदेश में जाते क्या कहते हैं, गोरखपुर से आए हैं, पटना से आए हैं, सर इंडिया से आए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब यही है, यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं किसको, इनवर्ड। क्या इनवर्ड, देखो ये जो बना है ना इनवर्ड, ठीक है। अब इनवर्ड को समझना है, जब कुछ हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं परचेज खरीदते हैं, तो जब खरीदते हैं तो हमारे व्यापार में सामान इन होता है, आता है, उसीलिए उसका नाम रख दिया गया इनवर्ड, और उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। अब कोई पूछेगा इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई, बहुत सिंपल है। अगला है आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या हो रहा है, जो सामान इन हुआ है जब सेल करते हैं बेचते हैं तो व्यापार से जाता है, आउट होता है, मतलब आप बताओ दो मार्कर खरीदे तो व्यापार में इन हुआ, लेकिन एक मार्कर बेच दिए व्यापार से आउट हो गया, इसे बोलते हैं आउटवर्ड। मतलब जीएसटी में या वैसे जो कुछ भी हम सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है इतना पहले। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा और, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इनवर्ड सप्लाई होता है, अभी हम कल ही पढ़ाए थे, जैसे इनवर्ड सप्लाई होता है मींस क्या होता है, परचेज होता है, ठीक है। तो जब परचेज हम लोग करते हैं तो वहां पे आईटीसी प्राप्त होता है, समझे। और जैसे आउटवर्ड सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई होता है, ठीक है, सेल मतलब, तो वहां पे टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाता है। यह कंसेप्ट हमने कल ही बताया था आपको, याद है आपको, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया था, सिस्टमेटिक तरीके से समझिए, मतलब इनवर्ड सप्लाई जो कुछ भी में परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय जो टैक्स हम पे करते हैं वही आईटीसी हमको प्राप्त हो जाता है, समझे। और जो कुछ हम सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, और जितने रुपए का माल बेचते हैं और जितना टैक्स लेते हैं उसे बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं तो आईटीसी प्राप्त हो जाता है, और जब कुछ बेचते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाता है,
तब हमको पता चलता है कि कितना हम दिए और कितना लिए और माइनस करके कितना गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब यही कंसेप्ट कहता है। अब समय आया किसी कहां से आया, मतलब जो कुछ भी हम परचेज करते हैं और अपने सप्लायर को जो टैक्स अमाउंट पे करते हैं वही आईटीसी कहलाता है। जो कुछ भी हम सेल करते हैं और सेल करते हैं तो जो टैक्स अमाउंट लेते हैं वो टैक्स लाइबिलिटीज कहलाता है। हाँ, टैक्स लाइबिलिटी अगर ज्यादा होगा आईटीसी से तो हमको पे करना होगा, अगर आईटीसी ज्यादा होगा टैक्स लाइबिलिटी से तो महीने पे नहीं करना होगा, अगले महीने एडजस्ट होगा। लेकिन आईटीसी भी बराबर और टैक्स लाइबिलिटी भी बराबर तो क्या होगा बोलो, उस महीने में बराबर है तो फिर हमें पे नहीं करना है। यही इसका रूल है, यही कंसेप्ट है। चलिए अब हम समझते हैं जो नोट्स में दिया है। देखो पहले समझते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई क्या बोला जा रहा है। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ये स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में क्या है, रजिस्टर्ड है, और यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस क्या करते हैं, सप्लाई करते, तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन। समझ रहा है। चलो इंटर स्टेट के बारे में क्या बताया जा रहा है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई क्या कहलाता है, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंटर स्टेट सप्लाई या लोकल मतलब या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्लियर है सबको। चलो अगला है इनवर्स सप्लाई, या क्या मतलब है, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वह क्या कहलाता है, इनवर्स सप्लाई। और इनवर्स सप्लाई होने से क्या होता है, आईटीसी बढ़ जाता है मतलब प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से अगला आउटपुट, आउटवर्ड करा, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं तो वह हमारी आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है और आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है। अब टैक्स लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया अभी कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई मतलब सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ ही क्या होता है, कुछ टैक्स अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं और गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लाइबिलिटी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत की है कितनी है, 100 रुपया, और इस गुड्स पे कितना परसेंट टैक्स लागू होता है, 5%, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा, 5 होगा। इस प्रकार कस्टमर से टोटल कितना लेंगे, 105 कलेक्ट करने हैं, लेकिन टैक्स लाइबिलिटीज कितना होगा, 5 रुपये, टैक्स का कितना लिया है, 5 ही लिया है। अब अगला है आईटीसी कर, जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं और यही टैक्स अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी थी, 100, और इस गुड्स पे कितना परसेंट लग रहा है, ठीक है, तथा टैक्स अमाउंट कितना होगा, 5, तो सप्लायर की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 105 पेमेंट किया, इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से आईटीसी कितना मिला, 5, लिया कितना, 5, दिया कितना, 5, इस महीने 1 रुपया पे नहीं करना होगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, समझ आ रही आपको, नहीं समझ आया, चलो उसके बाद से आते हैं स्ट्रक्चर समझते हैं किसका, जीएसटी का। तो देखो यहां पे टैक्स कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं और टैक्स अप्लीकेबल कहाँ पे होगा और कौन सा टैक्स होगा इसको समझिए। बताया जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी, उसको बोल देते हैं हम लोग सी जीएसटी या बोल देते हैं सेंट्रल टैक्स। समाया मतलब सेंट्रल जीएसटी भी बोलते हैं, मतलब केंद्र सरकार द्वारा गुड्स या सर्विस टैक्स लिया जाता है,
इसे सीजीएसटी भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और या तो वैसे बोल देते हो क्या सेंट्रल टैक्स। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है स्टेट जीएसटी, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको एच जीएसटी, जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर या इसीलिए बोलते हैं क्या स्टेट टैक्स, समझे ना। उसके बाद अगला है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में IGST या इंटीग्रेटेड टैक्स। यह क्लियर है आपको? मतलब ध्यान से सुनना समझना, मतलब जो जीएसटी हम पे करेंगे, हाँ एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्या हम लिख देते हैं UTGST, ठीक है। इसका हम डायग्राम बताएंगे आपको समझने समझने की कोशिश कर, मतलब इतना क्लियर। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ जीएसटी कितना बताएंगे, फोर टाइप, कितने, चार। अरे रुको यार, समझ लो तो पूछना, ठीक है। कितने टाइप, चार। पहला सीजीएसटी, दूसरा जीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी, ठीक है। अब समझो लगता कहाँ पे है, मतलब कभी भी कोई पूछे चार टाइप बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग बस जानते हैं तीन, और इसीलिए तीन बताते हैं, ठीक है। चार क्यों, हम रीजन बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल टैक्स, तो बोला गया है कि ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बाउंड, मतलब जब हम लोग इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या, जब सेम स्टेट में जब ट्रांजेक्शन करें और जब किसी गुड्स को या सर्विस को हम बेचेंगे या खरीदेंगे, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी, क्या लगेगा सीजीएसटी, ठीक है, या सेंट्रल जीएसटी या सेंट्रल टैक्स, मतलब तो तीनों लिख सकते हो। चाहोगे तो वहां पे अपने भाषा में सेंट्रल टैक्स भी लिख सकते हो, चाहोगे तो अपने भाषा में सीजीएसटी भी लिख सकते हो, और चाहोगे तो आप सेंट्रल जीएसटी भी लिख सकते हो, लेकिन तीनों में से कोई एक ही लिखेगा। अब अलग लोग काम करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, मैक्सिमम लोग सीजीएसटी लिखते हैं, कुछ लोग केवल सेंट्रल टैक्स लिखते हैं और कुछ लोग केवल सीजीएसटी लिखते हैं, मतलब बात एक ही है, समझे ना। लेकिन लगेगा कहाँ पे, जब दो राज्य नहीं, जब सेम राज्य के बीच आपस में ट्रांजेक्शन हो गुड्स या सर्विस का, तो आखिर कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, और लगेगा किससे, बोला गया स्टेट जीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी या स्टेट टैक्स, फिर से वही बता रहा है कि ऑन इंट्रा, मतलब फिर से जब यूटी से, यूटी नहीं क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस सेल करेंगे, बेचेंगे या खरीदेंगे, तो वहां पे भी गुड्स को या सर्विस को वहां पे भी लगेगा, क्या लगेगा, तो वहां पे भी लगेगा स्टेट टैक्स, मतलब समझ में आया। मतलब तो यूपी से, यूपी में अगर जब कोई माल हम सप्लाई करेंगे, तो दो टैक्स लगने वाला है, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स, एक सीजीएसटी और दूसरा आईजीएसटी। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं या लोकल सप्लाई कर रहे हैं, लोकल ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, तो बताना सीजीएसटी और जीएसटी, कौन कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और जीएसटी दोनों लगता है, एक को नहीं दोनों लगता है, लेकिन आईजीएसटी कहां पर लगता है, तो बोला गया है कि इंटर स्टेट, मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे, ठीक है, या इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, क्या, या कोई इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन मतलब, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन मतलब, अच्छा राज्य, यहाँ पे कंट्री की बात की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नाम सुने हो ना, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल हम भेजवाएं या उस कंट्री से मंगवाएं, तो बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब हम भेजवाएंगे तो बोलते हैं ठीक है हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और मंगवाएंगे तो बताएंगे इंपोर्ट किया, आयात निर्यात नाम सुने होगा, सुने हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेट की बात नहीं की जाएगी, हमारे कंट्री की बात नहीं की जाएगी, दो कंट्री की बात की जाएगी, मतलब इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें दोनों आएगा, अगर दो राज्य के बीच ट्रांजेक्शन होगा वहां भी कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, और जब दो कंट्री की बात की जाएगी तो भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, लेकिन पूर्ण रूप से आईजीएसटी नहीं, अब इसके लिए कस्टम ड्यूटी भी लगता है, क्या कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो आगे का टॉपिक इतना समझना कि केवल आईजीएसटी से काम नहीं चलने वाला, कस्टम ड्यूटी लगता है, टैक्स है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स,
समझे ना, आप कहोगे सर ये तो हमको इतना समझ आ रहा है कि आप आईजीएसटी लगा लेंगे, पैसा कहाँ जाता होगा, कि कौन सा नया गवर्नमेंट आ गया, बोलो। ये तो समझ आ रहा है कि पैसा किसके खाते में चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसके खाते में चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये वाला पैसा किसके खाते में जाता है, तो किसी के खाते में नहीं जाता है, बराबर होगा, फिर से दोनों को बांट दिया। अब दोनों को मतलब ठीक ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो आईजीएसटी है ना, अगर लगाएंगे 18% तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। समझ आया ना, एक कंफ्यूजन नहीं होना, पैसा जाएगा इसी गवर्नमेंट के पास, लेकिन वहां पे अलग दिखाने के लिए कि बाबू सेम राज्य नहीं है, ठीक है, इसके लिए आईजीएसटी नाम रख दिया गया, अलग कंट्री दिखाने के लिए, ठीक है, सेम कंट्री नहीं है, ठीक है, तो उसको आईजीएसटी रख दिया गया, इसलिए लगे अलग है कुछ, लेकिन पैसा बराबर बराबर फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर 20 रुपया जाने वाला है तो 10 रुपया सेंट्रल के पास जाएगा, 10 रुपया स्टेट के पास आएगा। तो हमारी बात है आपको, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला है यूटी जीएसटी। क्या है यूटी जीएसटी? और यूटी जीएसटी का मतलब क्या है, यह ध्यान देना, यह कहाँ पे लगता है, यूनियन टेरिटरी पे लगता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पे लगता है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, क्या केंद्र शासित प्रदेश, और दो चार नाम आप लोग जानते हो चंडीगढ़ बता दो। हो जी चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, ठीक है, दादरा नगर हवेली हो गया, जम्मू कश्मीर भी इसमें है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा, यूपी जीएसटी लगेगा, और क्या लगेगा, सी जीएसटी लगेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा और कौन लगेगा, यूटी जीएसटी, नाम चेंज कर दिया गया है। तो ध्यान दो, मैक्सिमम बुक में ये लोग पढ़ाते थे इसको छोड़ देते, क्यों, रीजन यह है क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लोग जल्दी करते, और इसीलिए मैक्सिमम जो पढ़ाते हैं तो 3 टाइप पढ़ाते हैं, सी जीएसटी, ये जीएसटी और आई जीएसटी, लेकिन ध्यान ध्यान देना, 4 होता है, इसको कहा हम अपने कंट्री से बाहर नहीं करेंगे, यहाँ का है तो इसको भी लेके चलेंगे, इनकेस अगर मान लो कहीं दिल्ली में जाकर हम काम करने लगे तो वहां पे क्या यस नहीं लगेगा, ड्यूटी लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमको समझना है। तो महाराज जी चलो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जब दो सेम राज्य की बीच ट्रांजेक्शन होता है वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो क्या बताओगे, सीजीएसटी और यस जीएसटी। जब दो राज्य के बीच ट्रांजेक्शन होगा वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर है ना। और जब किसी यूनियन ट्रेडिंग में ट्रांजेक्शन हो तो क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। क्लियर है, बोलो, यह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यह बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया, इस टेबल को बना दिया गया है, अगर इसको और भी अच्छे से समझना है तो 2 मिनट लगेगा, एक डायग्राम बना के रखे उसको नोट कर, पर इसको और ही अच्छे से समझना है तो आने तो सो मारो तो अच्छा है, ठीक लिखवा दे, लिख लो जल्दी से। Thank you.